हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ यूट्यूब मोनेटाइजेशन के ऊपर। दोस्तों, ये वीडियो स्पेशली उन यूट्यूबर्स के लिए हेल्पफुल रहेगा जिनके चैनल ने यूट्यूब मोनेटाइजेशन क्राइटेरिया कंप्लीट कर लिया है लेकिन अभी भी उन चैनल में मोनेटाइजेशन एक्टिवेट नहीं हुआ है। रिसेंटली मैंने ऐसे बहुत सारे चैनल्स देखा है जिनका सब्सक्राइबर बेस बहुत ज़्यादा है, मतलब 50,000-60,000 तक सब्सक्राइबर्स हैं, व्यूज़ भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन उन चैनल में मोनेटाइजेशन अभी तक एक्टिवेट नहीं हुआ है। बहुत सारे यूट्यूबर्स ने यह भी बोला है कि अगर आपके चैनल में अभी तक मोनेटाइजेशन एक्टिवेट नहीं हुआ है तो आप चैनल को बंद कर लें, नया चैनल का स्टार्ट करें। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि क्या आपको आपके एग्जिस्टिंग चैनल को बंद कर देना चाहिए, क्या आपको नया चैनल शुरू करना चाहिए, क्या क्या यूट्यूब का गाइडलाइंस है मोनेटाइजेशन के ऊपर, या क्या क्या ऐसे फैक्टर्स हैं जिसके ऊपर बेस करके यूट्यूब एक चैनल को मोनेटाइज कर रहा है या फिर डीमोनेटाइज कर रहा है, क्या क्या ऐसे चीज़ें हैं जो आप अपने चैनल के साथ कर सकते हो जिसको करके आप अपने चैनल में मोनेटाइजेशन एक्टिवेट करा सकते हो। तो इस वीडियो को आप एंड तक देखें और मैं श्योर हूं कि इस वीडियो के एंड तक आपको बहुत सारे इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगे जो आप अपने चैनल में इंप्लीमेंट कर सकते हो एंड जिसको करके आप अपने चैनल में मोनेटाइजेशन एक्टिवेट करा सकते हो। तो चलिए, विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों, मोनेटाइजेशन के ऊपर बात करने से पहले सबसे पहले आपको समझना होगा कि यूट्यूब ने ये नया मोनेटाइजेशन गाइडलाइंस क्यों लाया है। देखिए दोस्तों, YouTube एक प्लेटफॉर्म है जिसमें बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स अपने वीडियोस अपलोड करते हैं, उन वीडियोस को एडवर्टाइजर्स सिलेक्ट करते हैं, उसमें अपना एड शो करते हैं एंड जो एड का रेवेन्यू होता है उसका एक पोर्शन YouTube रखता है एंड बाकी कंटेंट क्रिएटर्स को मिलता है। मतलब एक अच्छा कंटेंट होगा, अगर वो एडवर्टाइजमेंट फ्रेंडली होगा तो वो YouTube के रेवेन्यू में अच्छा रोल प्ले करेगा एंड YouTube के रेवेन्यू को बढ़ाएगा। लेकिन लेट्स से आपका एक चैनल है जिसमें आपने कुछ कंटेंट अपलोड किया है जो कि एडवर्टाइजमेंट फ्रेंडली नहीं है, मतलब कि कोई एडवर्टाइजर उसमें ऐड दिखाने के लिए राजी नहीं है या फिर इंटरेस्टेड नहीं है, तो उस केस में आपका चैनल YouTube के रेवेन्यू में कोई रोल प्ले नहीं करेगा एंड एज ए कंटेंट क्रिएटर आप भी कुछ रेवेन्यू से अर्न नहीं कर पाओगे। तो इसलिए YouTube चाहता है कि अपना जो प्लेटफॉर्म हो वो बिल्कुल क्लीन हो, उसमें ओरिजिनल कंटेंट रहे, एडवर्टाइजमेंट फ्रेंडली कंटेंट रहे, जिसके कारण यूट्यूब को भी अपना रेवेन्यू बढ़ाने में हेल्प हो एंड एज ए कंटेंट क्रिएटर आप भी ज़्यादा रेवेन्यू अर्न कर पाएँ। तो इसीलिए वो डुप्लीकेटेड कंटेंट या फिर कॉपीराइटेड कंटेंट को अपने प्लेटफॉर्म से रिमूव कर रहा है। अभी बात करते हैं कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिसके ऊपर बेस करके YouTube एक चैनल को मोनेटाइज कर रहा है या फिर डीमोनेटाइज कर रहा है। सबसे पहला फैक्टर जो कि मैंने अभी बोला है वो है ओरिजिनल कंटेंट। अगर आप ओरिजिनल कंटेंट क्रिएटर हो तो आप उसके इसमें बेफिक्र रहिए, आप कंटेंट अपलोड करते रहें, आपका चैनल आज नहीं तो कल मोनेटाइज हो जाएगा। लेकिन अगर आपके चैनल में आपने ऐसे किसी कंटेंट का यूज़ किया है जो कि पहले ही किसी दूसरे जगह में यूज़ किया है या फिर मल्टीपल जगह यूज़ करके रखा हुआ है और उसको आप वहाँ से लेके अपने चैनल में यूज़ कर रहे हो, तो उस केस में आपका चैनल मोनेटाइज नहीं होगा। उसके बाद कुछ ऐसे चैनल हैं जिसमें स्लाइड शोज वगैरह का यूज़ किया गया है और कोई वॉइस ओवर वगैरह नहीं है। मैंने रिसेंटली ऐसे भी चैनल्स देखे हैं जिन्होंने कि किसी मैगजीन का या फिर कॉमिक बुक का इमेज लेके उसको सिंपली स्क्रॉल करके उसको कंटेंट में कन्वर्ट कर लिया है एंड उसको अपने चैनल में यूज़ कर रहे हैं, उस केस में भी यूट्यूब ऐसे चैनल को मोनेटाइज नहीं कर रहा है। उसके बाद कुछ ऐसे चैनल जिन्होंने स्लाइड शोज का यूज़ किया है और उसमें वॉइस ओवर भी है, लेकिन जो वॉइस ओवर है वो भी मशीन जनरेटेड है। मतलब आपको इंटरनेट में ऐसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स मिल जाते हैं जो कि टेक्स्ट को ऑडियो में कन्वर्ट कर देता है एंड उसको आप वॉइस ओवर की तरह अपने कंटेंट में या अपने वीडियो में यूज़ कर सकते हो। लेकिन अगर ऐसे कंटेंट का यूज़ आपने अपने चैनल में किया है तो उस केस में कोई वैल्यू एडिशन नहीं रहता एंड यूट्यूब ऐसे चैनल को मोनेटाइज नहीं करेगा। फोर्थ जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि वो कि ऐसा कंटेंट जो कि यूट्यूब के कॉपीराइट गाइडलाइंस के साथ छेड़छाड़ करता है, ऐसे कंटेंट को भी यूट्यूब मोनेटाइज नहीं करेगा। छेड़छाड़ करने का मतलब है कि आपने ऐसे किसी कंटेंट का यूज़ किया है जो कि कॉपीराइटेड है बट किसी तरह से आपने उसको ट्विक करके अपने कंटेंट में यूज़ किया है। तो अगर ऐसे किसी चीज़ों का यूज़ आपने अपने चैनल में किया है तो उस केस में आपका चैनल मोनेटाइजेशन होने का चांसेस बहुत कम है। अभी बात करते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं जो आप अपने चैनल के साथ कर सकते हो जिसको करके आप अपने चैनल में मोनेटाइजेशन एक्टिवेट करा सकते हो। सबसे पहला चीज़ यही है कि YouTube ने अपने किसी भी ब्लॉग में या फिर किसी भी वीडियो में ये नहीं बोला है कि वो चैनल्स में मोनेटाइजेशन एक्टिवेट नहीं करेगा। YouTube ने यही बोला है कि अगर आप ओरिजिनल कंटेंट क्रिएटर हो, अगर आपने YouTube के सारे कम्युनिटी गाइडलाइंस को फॉलो किया है तो आप कंटेंट अपलोड करते रहें और इस साल के एंड तक आपके चैनल का मोनेटाइजेशन का डिसीजन जो होगा वो YouTube आपको दे देगा। इसीलिए आप अगर ओरिजिनल कंटेंट क्रिएटर हो तो आप बेफिक्र होकर कंटेंट अपलोड करते रहें। अभी बात करते हैं उन चैनल का जो स्लाइड शोज वगैरह का यूज़ करते हैं। अगर आप स्लाइड शोज वगैरह का यूज़ करते हो तो आप अपने वॉइस ओवर को इम्प्रूव करें, प्रिफरेबली आप अपने आपको रिकॉर्ड करके उस वीडियो में डालें। आपको इंटरनेट में ऐसे बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे जिसमें आपको दिखाई देगा कि वो वीडियो चलता रहता है एंड साइड में जो है वो क्रिएटर का वीडियो भी चलता रहता है, तो इस तरह से आप अपलोड करें अपने कंटेंट्स को। ओके, उसके बाद ऐसे चैनल्स जो कि थर्ड पार्टी कंटेंट यूज़ करते हैं जैसे कि व्हाट्सअप हो गया या फिर टिकटॉक हो गया, उसका वीडियो लेके अपना कंटेंट क्रिएट करते हैं।
YouTube ने ये नहीं बोला है कि आप थर्ड पार्टी कंटेंट यूज नहीं कर सकते, आप कर सकते हो, लेकिन उसमें आपको अपना वैल्यू एडिशन करना होगा। तो इसीलिए अगर आप अपने चैनल में ऐसे कंटेंट का यूज़ करते हो तो आप उसमें अपना वैल्यू एडिशन करें, उसमें नया वॉइस ओवर दें या फिर कोई दूसरी तरह का वैल्यू एडिशन करके उसको अपलोड करें, उस केस में आपका चैनल मोनेटाइजेशन हो सकता है। उसके बाद कुछ ऐसे भी चैनल्स हैं जिन्होंने अपना खुद ही का कंटेंट अपने ही किसी दूसरे चैनल में अपलोड कर दिया है इस मोटिव से कि वो कंटेंट को एक चैनल से दूसरे चैनल में माइग्रेट करा लेंगे, उस केस में भी YouTube उन चैनल्स में मोनेटाइजेशन एक्टिवेट नहीं कर रहा है। इसका कारण यही है कि YouTube जो है उसको डुप्लीकेशन में पकड़ रहा है, क्योंकि सेम कंटेंट सेम समय में दो चैनल में एग्जिस्ट कर रहा है। तो YouTube मोनेटाइजेशन के ऊपर यही कुछ इन्फॉर्मेशन थे जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता था। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को हेल्पफुल लगी होगी। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगी तो इसको लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के लिए स्क्रीन के ऊपर दिए जाने वाले चैनल आइकन को जरूर दबाएं, बेल आइकन को दबा लें ताकि मेरे फ्यूचर वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। और मैं मिलता हूँ एक नए वीडियो के साथ मेरे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड बाय।